भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले भोली, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भज भूमि लागे छोड़ दे प्राणा पानी, अगर भज भूमि लागे छोड़ दे प्राणा पानी। प्यार करन वाला की उससे, प्यार करन अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। हर भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, बोलिए, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे के लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे के लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, बोलो, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार है।
उस दिन संजोग बस उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बेचारी अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को गहला धुलाकर उसे चंदन का लेप लगाकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर एक बार पालने को बिठा दे। बहू नए जमाने की है कि लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, जब 2-3 घंटे बाद मेरा ये काम खत्म हो जाएगा तब तेरा काम होगा। उस औरत ने कहा बेटा मेरे घर में बचपन से सबसे पहला काम मेरे ठाकुर का मेरे मालिक का होता हुआ है, और आज भी मैं तुमसे यही कहूंगी कि एक बार इसका काम कर दो, उसके बाद तुम दुनिया का कोई भी काम करो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बहू को गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर छटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया और मूर्ति हाथ से गिर गई, और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी उस औरत के दिल से आवाज आई क्या, वो लल्ला लल्ला पुकारे हाय क्या जुल्म हुआ रे, वो लल्ला लल्ला पुकारे हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा भी लग गया लाल मेरा कैसे गया रे, बुढ़ापा भी लग गया रे लाल मेरा कैसे गया रे। तब अपने बेटे को आवाज देकर बुलाती है और कहती है क्या, जाओ डॉक्टर को बुलाओ लाल का हाल दिखाओ, जाओ डॉक्टर को बुलाओ लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते कोहराम मच गया। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की, भाई साहब थोड़ा बातचीत प्लीज मत करो, हेलो भैया बैठो बैठिए पास। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि मां मां ये पीतल की मूर्ति है, से गिरने से कोई चोट वोट नहीं लगती, लेकिन वो एक ही जगह लगा के रखी थी कि एक बार किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरी लल्ला को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसी ने पूछा भाई क्या बात है, लड़के ने कहा क्या बताएं, बुढ़ापे में मेरी माँ पागल हो गई, अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी बोलती डॉक्टर को बुला दिया। और पड़ोसी में बुजुर्ग आ गए, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों झगड़ा करता है, दिल मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी एक को बुला के ले आ, वो आके झूठ फूट कर देख लेगा और तेरी माँ से कह देगा कि तुम्हारा लल्ला ठीक है बेटा, तेरी माँ तुरंत साथ हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है। हाँ जी माँ जी सही है ना। लड़के के भी समझ बात आ गई, मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों से मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस हिस्ट्री सुनकर केस लेने को तैयार नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी करके डॉक्टर साहब मैं आपको 3 गुनी फीस दूंगा, आपकी जितनी फीस है उसकी 3 गुनी फीस आपको मैं दूंगा, और आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे साथ मेरे घर चल के मेरी माँ से ये कह देना कि तुम्हारा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया, और वहां जाके क्या हुआ, नगर कोटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, नगर कोटोल के बोले
तकलीफ नहीं है। लेकिन उस औरत को तसल्ली नहीं होती, बोले रे डॉक्टर, अरे बेटा ये तू कैसा चेकअप कर रहा है, एक बार अपना ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने पे लगा के देखता है, एक बार उससे मिलने लगा की जा सकता। डॉक्टर बेचारा बड़ा परेशान था, कहां भी फंस गया। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, इसके बेटे ने 3 गोली फीस देने का वादा दिया है। अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान में लगाया और दूसरा वो गोल वाला सिरा मूर्ति के सीने पे रख दिया। क्या हुआ? जो सीने से लगाया पसीना चमकर आया, जो सीने से लगाया पसीना चमकर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चक्कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चक्कर आया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी नाम, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और जब डॉक्टर ने ये नजारा देखा उसका माथा घूम गया। इतने सालों साल तक जो रात रात जाकर जो साइंस की मोटी मोटी किताबें पढ़ी थी वो सारी की सारी धरी रह गई। हार कर अपना ब्रीफ केस अपना आला वहीं पे रखकर ठाकुर को प्रणाम करके चुपचाप जाने लगा। बुढ़िया माई ने आवाज दिया, बोले अरे डॉक्टर, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? जा रहा है तो अपना ब्रीफ केस भी चल लेता कि जाए साथ। तो उस डॉक्टर ने उस औरत को हाथ जोड़ के जवाब दिया, सुनिए क्या कहता है, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहां से तू लल्ला लाए वहीं पे, जहां से तू लल्ला लाए वहीं पे जा रहा हूं। और मां लाल तेरा झुक झुक जिए बड़ा एहसान किया है, बोलो लाल तेरा झुक झुक जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन इसी पे किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। और उसके बेटे को बुलाता है वो डॉक्टर, बोले बेटो बनवारी तेरी माँ नहीं पागल ना, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है।